तो देखो गाइस, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपनी स्कूटी का इंजन ऑयल कैसे चेक करना है। और बाकी अगर आपकी स्कूटी में इंजन ऑयल कम रहेगा तो माइलेज में भी प्रॉब्लम आता है। तो काफ़ी दर्द हो रही है यार मेरे पेट में। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. ओके गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। अभी टाइम हो रहा है दिन के 12:31, और अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ इतनी दिन में, अभी मेरा एक थोड़ा सा काम है ना, और काम वो क्या है कि मुझे अभी थोड़ा दवाई लेने जानी है, और खुद के लिए लेने जानी है क्योंकि कल रात से मेरी थोड़ा ना तबीयत ख़राब चल रही है यार, और इसी कारण मैं आज सुबह को व्लॉग बनाने भी नहीं गया, क्योंकि आज सुबह व्लॉग बनाने जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और रीज़न मैं आपको कभी और बताऊँगा। बट या तबीयत ख़राब थी तो मैं जा नहीं पाया, और मुझे लगा था कि सुबह तक तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं सुबह व्लॉग बनाने चले जाऊँगा। सुबह जब मैं उठा तो सुबह भी यहाँ पे तबीयत ख़राब थी, और तबीयत ख़राब मतलब मेरे पेट में दर्द हो रहा है कल रात से, तो काफ़ी दर्द हो रही है यार मेरे पेट में। और जब पेट में दर्द होती है ना तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है लिटरली, और अभी थोड़ा पेट का दर्द ठीक है, पर फिर भी मैं यहाँ पे मेडिसिन लेने जा रहा हूँ। बट अभी ना मेरे सर में दर्द चालू होने लगे यार, बहुत ही गंदा वाला, और आई थिंक गैस से होगा और फिर किसी और रीज़न से होगा, गर्मी से फिर कुछ भी रीज़न होगा, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है यार, बहुत तेज़। तो अभी यहाँ पर कहीं पर मेडिसिन की दुकान देखूँगा, अगर मिल जाए तो ठीक है। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रही यार। चलो फाइनली मिल गया, मुझे लगा था कि नहीं मिलेगा तो मैं कहीं आगे से ही ले लूँगा। तो देखो गाइस, मेडिसिन मैंने ले ली है, अभी थोड़ा आगे जाके खा लूँगा मैं। घर से वैसे पानी लाया तो आज, ये देखो। बाकी एक बात अभी सही है कि वेदर देखो इतना अच्छा सा हो रहा ना, मतलब बारिश वाला मौसम भी नहीं है और धूप भी नहीं है, तो भगवान इस टाइम पे अपना साथ सच में दे रहा है, क्योंकि सुबह तो मैं ब्लॉग बना नहीं पाया तो भगवान जी ने बोला कि चलो सुबह आपको कोई रीज़न था, आपके दर्द हो रहा था तो अभी चले जाओ ब्लॉग बनाने, तो मैंने बोला चलो चले जाते हैं। और वैसे सर दर्द तो मेरा अभी भी हो रहा है, बट मैंने बोला कि अगर मैं इतने छोटे छोटे दर्द से एक ब्लॉग बनाना छोड़ दूँ तो अच्छा नहीं होगा, और अगर ज़्यादा ही होता तो तब मैं ज़बरदस्ती नहीं करता। बट अभी मैं थोड़ा सा ठीक हूँ ना, थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, अभी पेट में दर्द नहीं हो रहा है, तो या सिर दर्द तो मैं थोड़ा बहुत मैनेज कर लेता हूँ। और वैसे मैं नॉर्मली ना मेडिसिन वगैरह कभी भी नहीं लेता हूँ, बट अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई तो तब लेना पड़ता है, जैसे मेरे कल रात से हो रहा था ना, और सिर दर्द भी आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने बोला अभी एक डोज ले ही लेते हैं। बाकी आज की जो वीडियो है ना उसका टॉपिक ये होगा कि आप अपनी स्कूटर का इंजन ऑयल कैसे चेक कर सकते हो। और एक भाई ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था कि प्लीज़ इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना, राहुल गोस्वामी भाई ने, कि प्लीज़ इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना, और वो कह रहे थे कि मतलब यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ ऐसे पड़ी हुई है बट मुझे आपकी वीडियो देखने में एक अलग ही मज़ा आता है। तो मैंने बोला चलो बना लेते हैं, जब आप लोग इतना रिक्वेस्ट करते हो तो बनानी पड़ती है। और एक भाई का मुझे बहुत पहले से कॉमेंट ये भी आ रहा था कि कैमरा का रिव्यू करो, कैमरा का रिव्यू करो अपने मोटो व्लॉगिंग का, बट यार सो सॉरी यार मैं नहीं बना सकता, मतलब उसके लिए ना एक दूसरा आदमी चाहिए यार, और मैं कहीं भी ऐसा स्टैंड करके नहीं बना सकता, तो अभी उसके लिए तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा आपको सच में, मतलब अभी कोई ऐसा फ्रेंड वगैरह है नहीं ना। अभी तो देखो जैसे समर वेकेशन स्टार्ट हो गया तो सब लोग घर चले गए, और मैं भी आई थिंक कुछ दिन में घर चले जाऊँगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अभी मोटो व्लॉग कर रहा हूँ, वरना इतने दिन में तो मैं आता भी नहीं, तो मेरा आई थिंक कुछ ही दिन बाद यहाँ पे घर जाने का प्लान बनेगा। तो या लेट्स सी, देखते हैं जो भी होगा। तो जो मेरे कैमरे का रिव्यू होगा मैं पक्का करूँगा यार, ऐसा नहीं है कि मैं आपको गोली दे रहा हूँ कि नहीं मैं नहीं बनाऊँगा, मुझे खुद से भी मन करता है और आप लोगों को भी हेल्प हो जाएगी काफ़ी अच्छी खासी, बट उसके लिए थोड़ा टाइम देना है यार मुझे, वरना अगर जो मुझसे हो पाता है, जैसे अभी राहुल गोस्वामी भाई ने मुझसे बोला था कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना, और पहले मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं उनसे माफ़ी मांग देता, बट अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ तो मैंने बोला चलो वो भी नाराज़ ना हो, और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि चलो जो उनका रिक्वेस्ट थी वो कंप्लीट हो जाएगी। अभी फिर से ना थोड़ा थोड़ा धूप आने लग गया यार, बहुत इतनी तीखी वाली नहीं है, ये देखो बादल काफ़ी मस्त से आ रखे, अभी ये देखो कितने अच्छे से लग रहे। बाकी खाली जगह कहाँ पे होगी इस वाले रोड पे, तो मुझे लगता भी नहीं है कि कहीं पे खाली जगह होगी यार, अगर कहीं पे खाली जगह मिल गई ना तो काफ़ी अच्छा से हो जाएगा। यहीं पर रुक जाऊँ क्या, वैसे यहाँ पर भी तो वीडियो बना सकता हूँ आराम से, बट जैसे अगर मैं कहीं पर रुकता हूँ ना लोग फिर रुक के पूछते कि क्या हुआ स्कूटी ख़राब हो गई क्या आपकी, मतलब काफ़ी सारे अच्छे अच्छे लोग भी रहते हैं जो हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। यहीं पर रुक जाना चाहिए था मुझे शायद से, यहाँ पे छाया भी है ना तो यहाँ पे रुक जाता हूँ मैं थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे खाली खाली एरिया भी है, मतलब मकान वगैरह उतने नहीं है। तो देखो जब भी आप अपनी स्कूटी का ना इंजन ऑयल चेक करोगे तो अपनी स्कूटी को ना ऐसे प्लेन सरफेस पे खड़ा करना, ऐसे ऊबड़ खाबड़ पे मत खड़ा करना, एंड उसके बाद डबल स्टैंड पर अपनी स्कूटी को लगाना कुछ इस तरीके से, और बस फिर उसके बाद मैं अभी आपको बताता हूँ कि इंजन ऑयल कैसे चेंज करते हैं। और जिन लोगों को पता नहीं कि इंजन ऑयल कहाँ से चेंज करते हैं, तो इंजन ऑयल यहाँ से चेंज करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और यहीं से वो इंजन ऑयल वगैरह फिलअप भी करते हैं। पहले मैं ना अपनी दवाई खा लेता हूँ क्योंकि क्या पता थोड़ा सर दर्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं अभी यहाँ पर ब्रेकफास्ट करके आया हूँ, ब्रेकफास्ट भी क्या कहेंगे, 12 तो बज गए, 1 बजने वाली है, तो अभी मैं पहले मेडिसिन खाता हूँ यार।
तो देखो गाइस, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपनी स्कूटी का इंजन ऑयल कैसे चेक करना है। तो आपको यहाँ नीचे बना एक कैप टाइप की दिखेगी, तो आपको इसको थोड़ा जोर लगा के भाई ट्रिल्ट करना पड़ेगा। हाँ ये देखो हो गया, इजीली हो जाता है। वैसे पहले ना आपको इसे साफ़ कर देना चाहिए क्योंकि ना इस पर अभी इंजन ऑयल लगा हुआ है ना, तो अभी मैं पहले इसे साफ़ कर लेता हूँ। तो ये है वो कैप, और अभी आपको क्या करना है, इस कैप को ना इस होल के अंदर ढालना है, ये जहाँ इंजन ऑयल रहता है स्कूटी का, कुछ इस तरीके से ढालना है बस, और घुमाना वगैरह कुछ भी नहीं है। और यहाँ से आपको दिख जाएगा, ये देखो मेरी स्कूटी में अभी इतना इंजन ऑयल है, यहाँ तक इंजन ऑयल लगा है। और अगर आप इस कैप को इधर ऐसे घुमाओगे तो ये ना फुल हो जाएगा, ये देखो यहाँ पीछे, ये देखो ये फुल तक हो गया, क्योंकि ना इसके यहाँ यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा यहाँ भी इंजन ऑयल रहता है, ये देखो। तो कभी भी आप चेक करो तो इसे पूरा घुमाया मत करो, बस थोड़ा सा रखा करो, एंड देन फिर से इसको टाइट लगा देना। कोई अगर कभी इंजन ऑयल चेक करता है ना तो इसको टाइट लगा दिया करो यार, ऐसे लूज मत छोड़ा करो। तो देखो गाइस, अभी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे करके आपको अपने स्कूटर में इंजन ऑयल चेक करना है, एंड होप कि आपको सब समझ आ गया होगा। और इंजन ऑयल चेक करना ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर आपकी स्कूटी में इंजन ऑयल पूरा सूख जाता है ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती है। और सच में एक तो आपकी स्कूटी ना काफ़ी जल्दी हीट होने लगेगी बहुत ज़्यादा, और बाकी अगर आपकी स्कूटी में इंजन ऑयल कम रहेगा तो माइलेज में भी प्रॉब्लम आता है और इंजन पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो टाइम टू टाइम अपनी स्कूटी का इंजन ऑयल चेक किया करो यार, काफ़ी ज़्यादा इंजन तो बहुत मेन होता है, स्कूटी में, बाइक्स में, कार में, सब में इंजन काफ़ी ज़रूरी होता है यार, बिना इंजन के तो गाड़ी चल ही नहीं पाती। ओहो हो, वाटर क्रॉसिंग, अरे रे रे गड्ढे में चले गया मैं, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने अपनी स्कूटी की सर्विसिंग ना 1.5-2 महीने पहले कराई थी, तो इसलिए अभी उसमें इंजन ऑयल ठीक ठाक है। तो अब मैं यहाँ पे आई थिंक 7-8 महीने बाद ही कराऊंगा इंजन ऑयल चेंज वगैरह। तो मैंने बोला था कि मैं शोरूम से सर्विसिंग नहीं कराऊंगा अभी अपनी स्कूटी की। इंजन ऑयल वगैरह तो आप खुद से भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो जितना मुझे लगता है, बट मैं तो खुद से कभी नहीं करता यार, क्योंकि मैं वो काम मैकेनिक पे ही छोड़ दूंगा। मतलब इंजन ऑयल वगैरह मैं खुद से बाय करूँगा, बट जो भी वो फिलअप वगैरह करना होगा ना वो खुद कर देंगे यार। अभी तक भी मेरा सिर दर्द ना ऐसा ही हो रहा है यार, मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ यार, और मुझे लगता भी नहीं है ठीक होगा, बस शाम तक ठीक हो जाए यार, क्योंकि मुझे शाम को एक बहुत ज़रूरी काम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। अभी देखो 1 बज गई और आई थिंक मैं 2 या 2.5 घंटे की नैप लूँगा, उसके बाद मुझे फिर से एक जगह जाना है शाम को 4 बजे। मतलब मैं पहली बार निकलूँगा शाम को राइड पे, राइड भी क्या ही कहेंगे, मतलब मुझे कहीं काम पे जाना है ना, तो चलते चलते राइड भी हो जाएगी अपनी, थोड़ा सा शॉर्ट राइड मान के चलो, और वो बहुत ज़रूरी काम है यार, अगर मैं वहाँ नहीं गया तो फिर वो काम हमेशा के लिए पेंडिंग में ही रह जाएगा, और अगर मैं वहाँ नहीं गया ना तो दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए मुझे वहाँ जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है यार। तो देखते हैं कितने बजे जाऊँगा, 4-4.30 बजे तक निकल जाऊँगा, ज़्यादा जल्दी भी नहीं जाना है मुझे और ज़्यादा लेट भी नहीं जाना है, वरना वो ऑफिस पूरा बंद ही हो जाएगा तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ मतलब मुझे एक ऑफिस में जाना है, बहुत ज़रूरी काम है वहाँ, तो देखते हैं। बस बारिश ना पड़े शाम तक, क्योंकि बादल अभी दिख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि बारिश पड़ने वाली होगी। मौसम ख़राब हो जाए कोई बात नहीं, बस बारिश नहीं पड़नी चाहिए, और अगर बारिश का मौसम होगा तो फिर भी मुझे जाना ज़रूरी यार, फिर मैं रेन सूट वगैरह लेके जाऊँगा, बट फिर मैं मोटो व्लॉग नहीं कर पाऊँगा। अभी मुझे लग रही है फिर से प्यास, और वो भी बहुत ज़्यादा तेज है ना, तो अभी मैं कहीं पे छाया देखता हूँ फिर वहाँ पे रुकता हूँ यार, बहुत तेज़ प्यास लग रही है यार, यहीं पे रुक जाता है। यहाँ पे एक पेड़ है ना, ये है आपका एक इस चीज़ का अमरूद का पेड़ है, अच्छा अमरूद नहीं लगे पर इस पर पानी पी लेता हूँ यार फटाक से। अब यार हेलमेट तो उतारा नहीं, ऐसे ही पी लू गया ये भगवान, चलो पहले पानी। अरे रे रे तो भाई पानी भी मैंने पी लिया, और अभी मैंने हेलमेट उतारा ना, इतनी ज़्यादा पसीना आ गया ना मेरे सर पे, कसम से बहुत गीला हो गया यार। और अभी मैं यहाँ से डायरेक्ट घर जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से कहीं और जाना तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, वो भी इतनी धूप में, भाई मेरे बस का तो नहीं है। मैं बस यहाँ पर मेडिसिन लेने आया था, और एक भाई की रिक्वेस्ट वीडियो थी तो बस वो बनाने आया था यार। सो देखो गाइस, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा सो प्लीज़ द लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो कॉमेंट योर फेवरेट पार्ट और एनी क्वेरीज वगैरह। सो तब तक के लिए बाय पुचिक।